ये कहानी है भारत की। भारत वही देश जो हिंद महासागर के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में है, जहाँ के निवासियों को कहते हैं भारतीय। इतिहास के पन्नों को पलटकर हमारे राष्ट्र की शुरुआत को खोजा जाए तो हम अपने आप को पाते हैं सरस्वती और दृष्टावती नामक दो नदियों के बीच ब्रह्मावर्त। धीरे धीरे यहाँ के निवासी बृहद उपमहाद्वीप के लोगों से घुल मिल गए और एक समय उत्तर पश्चिम में काबुल नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक संस्कृति को कहा जाने लगा आर्य। आज से करीब 2500 साल पहले, करीब 400 सन ईसा पूर्व की बात है, गौतम बुद्धों के निर्वाणों को 150 साल हो चुके थे और उनका धर्म देश में कई लोग अपना चुके थे। आर्यव्रत अनेकों जनपदों या राज्यों में बटा हुआ है। इनमें महत्वपूर्ण थे कुरु, पांचाल, गांधार, मगध एवं अन्य 12 महाजनपद। पूरी दुनिया में प्रसिद्ध दो विश्वविद्यालय उस समय हुए, तक्षशिला और नालंदा। इनमें से तक्षशिला जो उत्तर पर यानी सिल्क रूट पर था, उससे उसकी महत्वता और बढ़ जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय के सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध में था, जहाँ नंद वंश का राज था। नंद वंश के राजा उस समय थे राजा धनानंद, जो कि महापद्मनंद के पुत्र थे, एक शक्तिशाली एवं धनवान साम्राज्य के राजा। परंतु प्रजा में असंतोष व्यापक था। धनानंद इतिहास में एक विलासी और दुराचारी राजा की तरह दिखाया गया है, लेकिन ये सच नहीं है। सनातन धर्म और बौद्ध दर्शन एक दूसरे के प्रतियोगी हो चुके थे। यही समय था जब इतिहास के शायद सबसे प्रसिद्ध योद्धा अलेक्जेंडर का आगमन हुआ। आर्यव्रत को हरा वह अपने विश्व विजय के सपने को पूरा करना चाहता था। यूरोप के अनेक राजवंशों और शक्तिशाली परशियों को हराने के बाद सिकंदर के हौसले बुलंद थे। तबाही के मंजर और सभ्यता का जो विनाश सिकंदर ने अपने जीते हुए राज्यों में किया था, वह पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसे में अनेकों जनपदों में बिखरे और असंतुष्ट प्रजा से ग्रसित भारत पर अपनी सभ्यता को बचाने रखने का खतरा मंडरा रहा। छात्रावास 4, 6, 13, 15 तानसा प्रस्तुत करते हैं आहुति। माननीय मंत्री जी और सेनापति महोदय, आप सबकी आज्ञा हो तो सभा की कार्यवाही शुरू की जाए। मुझे नहीं लगता कि महाराज के बिना सभा शुरू करनी चाहिए। महाराज ऐसे हर सभा में अनुपस्थित रहेंगे तो राज्य कैसे चलेगा? आमत्य सत्कार का कथन सत्य है, महामात्य राक्षस। आखिर महाराज कब तक सभा में अनुपस्थित रहेंगे? हम भी कथन का समर्थन करते हैं। महामात्य राक्षस, हम राज्य का कार्य देखते हैं, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार तो महाराज धनानंद के पास ही है। लेकिन महाराज तो हर सभा में अनुपस्थित ही रहते हैं। निर्णय हम सभी के हाथ में है, ये सभा बनाई इसीलिए गई है। बिना हमारे महाराज भी निर्णय नहीं ले पाते। यही तो, राज्य के स्वामी है महाराज, उनमें निर्णय लेने का साहस होना चाहिए। साहस? अमात्य ये उनका साहस ही है कि हमें ये अधिकार है कि समाज के समक्ष आ रही आपदाओं का निवारण कर सकें। अभी आपकी आज्ञा हो तो सभा की कार्यवाही शुरू की जाए। महाराज आते ही होंगे, मेरी प्रातः ही उनसे वार्ता हुई है। ठीक है, सभा आरंभ करो। प्रथम विषय है कृषि का। कृषि आधारित हमारे राज्य में इस बार वर्षा नहीं हो रही है, इस पर चर्चा की जानी चाहिए। मैं महाराज के समक्ष ये विषय प्रस्तुत करूंगा। मैं आप सबको सूचित करता हूँ कि महाराज सभागार में पहुंचने ही वाले हैं। महाराज की जय हो, 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 महाराज की जय हो। आज सभा में सभी उपस्थित हैं, ये देखकर आश्चर्य हुआ। आज मुझे आपको सभा में देखकर आश्चर्य हो रहा है सम्राट। हम सब तो रोज ही यहाँ उपस्थित होते हैं,
केवल आपको ही समय नहीं मिलता। आचार्य, आपके मुख से कभी मेरे लिए कुछ अच्छा क्यों नहीं निकलता? इतने वृद्ध हो रहे हैं, कम से कम अपने सम्राट के समक्ष कैसा व्यवहार करना चाहिए ये तो सीख लीजिए। महाराज, सभा एक विषय पर चर्चा कर रही थी। इस वर्ष राज्य के उत्तरी क्षेत्रों में अकाल की समस्या है। मैंने खाद्यान्नों का प्रबंध कर दिया है। मामात्य राक्षस को देखिए, ये काम में मन लगाते हैं, आलोचना में नहीं। आपने उचित किया है मात्य, ये सब तो होता रहेगा। आज प्रजा के कैसे समाचार हैं? महाराज, प्रजा तो आपका गुणगान करती है, हर छोर आपकी ही चर्चा रहती है। कहती है राज्य का ऐसा सेवक उन्होंने आज तक नहीं देखा। महाराज, सेवक या भक्षक? अमात्य। महाराज, मेरा काम आपकी चाटुकारिता नहीं है, जैसा माननीय मंत्री कर रहे हैं। मेरा काम आपको सही दिशा देने का है। प्रजा आपके नाम से बिछड़ती है, आपने इतने कर लगाए हैं, प्रजा उनके बोझ तले दबी जा रही है। दिशा, आप मुझे दिग्भ्रमित करते हैं। आप समाज में नहीं रहते, मंत्री जी समाज में रहते हैं, आपसे ज्यादा ज्ञान उन्हें होगा। समाज में तो आप भी नहीं रहते महाराज, लेकिन ये जो आपने आदेश दिए हैं नए करों के, उनका क्या? क्या लोग इतने करों का बोझ सह पाएंगे? जनता कराहती है महाराज, और उनकी आहें आपको कहीं का न छोड़ेंगी। मंत्री महोदय, मैं जानता हूँ आप मुझसे घृणा करते हैं, पर कारण ये नहीं जो आप दिखलाते हैं। मैं बताता हूँ कारण क्या है। महाराज, ये विषय नहीं है। विषय कैसे नहीं है? ये हर कोई बोल जाता है कि प्रजा मुझे नहीं चाहती, लेकिन मुझे वो जवाब तो देना ही होगा। क्यों क्यों मुझे प्रजा नहीं चाहती? मैं उत्तर नहीं दूंगा तो प्रजा मुझे ऐसे ही मान लेगी। इतिहास लिखना भी तो इन्हीं विद्वानों के हाथों में है। अरे नहीं नहीं महाराज, ऐसी चुप रहिए सेनापति, आज मैं बोलूंगा। यही कहते हैं महाराज दरबार में बोलते नहीं। आप और आपकी उच्च प्रजा मुझे इसलिए नहीं पसंद करती क्योंकि मेरे शरीर में आधा रक्त शूद्र का है, मेरे लहू में एक शूद्र माता का खून है। आप ब्राह्मण और उच्च वर्ग को ये बात कैसे अच्छी लगेगी? जाके निम्न वर्ग के लोगों से पूछिए, उन्हें मैं अपना राजा लगता हूँ। आप इतिहास में कुछ भी लिखिए, लेकिन आपके शोषण का उत्तर मैं दे रहा हूँ। आप मुझसे शास्त्रोचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं। हमने ये राज्य की नींव रखी है, हमने शिक्षा दी है इस राज्य को, बस 5 भिक्षा में मिला भोजन खाया है। किसे मूर्ख बनाते हैं? मैं महापद्मनंद का पुत्र, जिसने क्षत्रियों का नाश किया, उसका पुत्र धनानंद, मगध का सम्राट, मगध जो कि 16 जनपदों पर एक क्षत्र राज कर रहा है। आपने शिक्षा किसको दी है? उच्च वर्ग को, निम्न वर्ग को नहीं। आपने शिक्षा उन्हें दी है जो आपका पालन कर सके। दरबार व्यक्तिगत या जातीय आक्षेपों के लिए नहीं है। आप कल क्यों लाद रहे हैं, उसका उत्तर दीजिए। उत्तर इसी में निहित है। आपके पूर्वजों ने हमारे शूद्रों के लहू के बूंद बूंद से एक धन इकट्ठा किया है। मैं चमड़ी पर भी कर लगाऊंगा। मैं आपको बता दूं, मैंने 80 महल सोने से भर लिए हैं और उसको फिर भी गंगा में प्रवाहित कर दूंगा। नहीं नहीं, महाराज का कहना है कि उससे कलिंग और अन्य क्षेत्रों में नहरें बनाई जाएंगी, खनिजों के खनन का प्रबंध किया जाएगा, सेना बढ़ाई जाएगी, नए शहरों को बसाया जाएगा। देखिए, एक आप ब्राह्मण है और एक ये ब्राह्मण है, दोनों में कितना फर्क है। यही कारण है कि आप यहाँ सिंहासन पर विद्यमान हैं। मैं आपकी या इनकी सेवा के लिए नहीं हूँ यहाँ, मगध के लिए यहाँ हूँ। मगध मुझे अधिकार देता है। आप इतना व्यतीत हो तो मैं जा सकता हूँ, मुझे कभी पद का लोभ नहीं रहा है। नहीं नहीं अमात्य, हमें आपकी आवश्यकता है, आप मगध के लिए मूल्यवान हैं। महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैंने आपके मनोरंजन का भी प्रबंध किया है, आपकी आज्ञा हो तो। राक्षस, तुम ही मुझे समझते हो। जरूर प्रस्तुत किया जाए, क्या है आज का मनोरंजन?
ब्राह्मण है, उनको अंदर लाओ। अभी महाराज कुछ आवश्यक भी हो सकता है। आप यहाँ? कौन है ये ब्राह्मण? ये तक्षशिला के अध्यापक आचार्य चाणक्य हैं महाराज, अर्थशास्त्र के ज्ञाता। हाँ हाँ, क्या कार्य है? कार्य क्या है महाराज? आपकी सभा शायद आने वाली समस्याओं को समझ नहीं पा रही है। आपका तात्पर्य क्या है? यूनान का यवन राजा सिकंदर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों तक पहुंच चुका है। तो आप साफ साफ कहिए। महाराज, आपका राज्य मगध, मेरा राज्य मगध, उत्तर का सबसे बड़ा राज्य है ये, जिसकी सेना में 200,000 सैनिक, 8,000 अश्वरथ और 5,000 हाथी हैं। मगध की सेना सिकंदर को हरा सकती है महाराज। मैं यहाँ मगध का सम्राट हूँ, मुझे किसी भाई आक्रांतों से क्या लेना देना। केवल सिकंदर ही नहीं, कई भाई आक्रांत आग लगाए बैठे हैं इस जम्बूद्वीप पर। आपको सभी छोटे राज्यों को एक कर एक देश बनाना होगा, ताकि हम अपनी सभ्यता की रक्षा कर सकें और आक्रांताओं से इस देश को बचा सकें। ये है कौन मुझको इतनी शिक्षा देने वाला? जाओ ब्राह्मण, मैं अपने राज्य से खुश हूँ। मुझे अन्य राज्यों की लालसा नहीं है और ना ही कोई देश बनाने की। मैं इतने बड़े भूभाग का सम्राट हूँ और इसको अच्छे से चलाना मेरा कर्तव्य है। फिर तो आपका कर्तव्य गुरुकुलों को तोड़ना नहीं होगा, शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा, समाज को प्रगतिशील बनाना होगा। आप वो भी तो नहीं कर रहे हैं महाराज। गुरुकुल? हाँ, मगध के गुरुकुल। मैं मगध के गुरुकुलों के सर्वे सर्वा चणक का पुत्र हूँ, आप याद कीजिए। हाँ हाँ, चणक का पुत्र, तभी तुम्हारी जीवा इतनी तीव्र और कसैली है। मुझे दुख है तुम्हारे पिता को लेकर। तुम चणक के पुत्र हो? एक बार में सुने नहीं आप? महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ, समाज को जोड़िए तोड़िए नहीं, देश को एक कीजिए, गुरुकुलों को बढ़ावा दीजिए, मेरे विश्वविद्यालय तक्षशिला को बचाइए महाराज, नहीं तो वो भी किसी विदेशी के हाथ में चला जाएगा। अपनी शिक्षा अपने पास रखो। यहाँ नालंदा है जहाँ सभी को भगवान बुद्ध की शिक्षा दी जा रही है। मेरे राज्य में ब्राह्मण गुरुकुलों की कोई आवश्यकता नहीं। आप व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं महाराज, कम से कम देश को एक करने के बारे में सोचिए तो सही। एक तो तुमने हमारे मनोरंजन में व्यवधान डाला और ऊपर से शिक्षा देते हैं। चणक का पुत्र, तुम्हें देख कर ही दया आती है। महाराज, उपहास ना उड़ाएं, मैं देश हित में आपसे कुछ आशा रखता हूँ। जाइए, मत रखिए आशा, मुझे नहीं आवश्यकता है तुम्हारी और तुम्हारी शिक्षा की। मैं जहाँ हूँ खुश हूँ। महाराज, एक बार आप पुनर्विचार। जाने के लिए कहा है ना, दरबान इस ब्राह्मण को निकालो यहाँ से। धनानंद, धनानंद, मूर्ख धनानंद, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुझे अपना काल नहीं दिख रहा, लेकिन मैं साक्षात देख रहा हूँ। महामंत्री राक्षस भी तुझे उस काल से बचा नहीं पाएंगे। जो मगध ज्ञान की नगरी रही है तुम्हारे राज में, वहां ज्ञानी भी अज्ञानी हो रहे हैं। आज तूने अति कर दी है मूर्ख धनानंद,
ये धन की मदिरा में मतमस्त आज तूने भरे सभागार में एक ब्राह्मण का अपमान किया है। घोर अपमान। ब्राह्मण यस्मिन देशे सम्मानो नावृतीन च बांधवा न च विद्यागमन कश्चित् तं देशं परिवर्जेत। चाणक्य उस देश में नहीं रह सकता जहाँ किसी का सादर सम्मान न हो, कोई विद्या प्राप्त करने का साधन न हो। ऐसा देश मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं लौटूंगा धनानंद इस धरा को मुक्ति दिलाने। और जब तक इसे मुक्ति नहीं मिलती, भीम की शपथ की तरह कठोर, नचिकेता की तरह साहसी और भीष्म जैसी अटल प्रतिज्ञा लेता हूँ, जब तक तुझे इस सिंहासन से नीचे नहीं उतार देता, ये विष्णुगुप्त अपनी शिखा नहीं बांधेगा। महाराज चंद्रगुप्त की जय हो, महाराज चंद्रगुप्त की जय हो, महाराज चंद्रगुप्त की जय। महाराज, इसने हमारे क्षेत्रों से गायों की चोरी की है, इसके पास चोरी की गाय मिली है, इसे दंड दीजिए। अपराधी को भी अपने पक्ष में तर्क रखने का अधिकार होना चाहिए। जवाब दो वत्स। मैं मालव जनपद का हूँ, इस मगध जनपद का नहीं। आपको मेरे विषय में न्याय देने का अधिकार नहीं है महाराज, मैंने भी शास्त्र पढ़े हैं। मैं अधिकार रखता हूँ, ये जनपद राजाओं ने बनाए हैं, मैं सम्राट हूँ। गुरु से लेकर कैकई और हिमालय से रावण की लंका तक मेरा राज्य है। जाओ, मैं तुम्हें एक मास का कारावास देता हूँ। ये देश जनपदों में नहीं बढ़ सकता है। आज की सभा यही समाप्त होती है। रुकोवत्स जी, कौन? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रगुप्त है। वत्स, तुमने शिक्षा कहाँ से ली है? कहीं से नहीं आचार्य, मैं एक निम्न कुल का लड़का हूँ। मैं आपके जैसे उच्च कुल का नहीं हूँ जिसे आचार्य शिक्षा दे। तुम्हें शिक्षा नहीं चाहिए? चाहिए, मगर मिलेगी कहाँ, कौन देगा? मैं तो सभी के पास गया, लेकिन सभी आचार्यों ने मना कर दिया। मैंने उनसे कहा भी कि दूर से देखेंगे, लेकिन वो कहते हैं निम्न लोगों के लिए शिक्षा वर्जित है। अब आप ही कहिए, क्या ये उचित है? नहीं नहीं, कतई उचित नहीं है। क्या तुम पढ़ना चाहोगे? आचार्य, मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होगा? बिना तुम्हारी स्वीकृति के मैं तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकता वत्स। आपको मेरे परिवार से आज्ञा लेनी होगी। ठीक है, तुम मुझे अपने परिवार के पास ले चलो। जी आचार्य। मुझे कुछ स्वर्ण चाहिए बहन। आज भी तुम्हें स्वर्ण चाहिए? कब तक तुम्हारी मदिरा पर स्वर्ण लुटता रहेगा? जब तक मैं मदिरा के नशे में मदमस्त हूँ, मदिरा से उकता नहीं जाता, तब तक तो मुश्किल है। कहाँ थे तुम चंद्रगुप्त? ग्वालों के साथ गया था मामा श्री। और ये महाशय कौन है? माँ, ये तक्षशिला के बहुत बड़े अध्यापक है, मुझे अपने साथ ले जाना चाहते है, मुझे शिक्षा देंगे। शिक्षा देंगे? कौन देगा, ये देगा? यहाँ आचार्यों के पास दौड़ दौड़ के पेट नहीं भरा जो कि तुम अब तक्षशिला जाना चाहते हो? माँ, आपका पुत्र चंद्रगुप्त बहुत प्रतिभावान है, ये आगे चलकर इस देश का उगता सूर्य होगा। आचार्य, मेरे इस जीवन में केवल एक ही पुत्र है। यही एक पुत्र इस देश में भी है माँ। फिर भी आचार्य, मैं नहीं चाहती, मगध में से पढ़ाया जाता तो भी मैं कुछ कहती, लेकिन अभी तक्षशिला यहाँ से हजारों योजन दूर, मैं नहीं भेज सकती। तुम इसे भगा, इससे बहस क्यों करती हो? तू अंदर जाके बैठ और आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए। माँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं आपके पुत्र को सम्राट बनाना चाहता हूँ इस देश का। आचार्य, किसी माँ को अपने पुत्र को सम्राट देखने की उतनी इच्छा नहीं होती जितना वो यह चाहती है कि उसका पुत्र उसके साथ हो। माँ, आपका पुत्र इस देश का भविष्य है, और जल कल आपका पुत्र आपसे ये पूछेगा कि आपने उसे क्या दिया, तो आप क्या कहेंगी? क्या प्रश्न पूछेगा? यही कि क्या उसका भाग्य गौ चराने में था। ये तो उसका भाग्य है कि उसने मेरे कुल में जन्म लिया। लेकिन क्या यह आपका कर्तव्य नहीं था कि पहले खुद एक उच्च स्थिति और धन को प्राप्त करती, उसके बाद चंद्रगुप्त को जन्म देती?
आपके तर्कों का उत्तर मैं नहीं दे सकती। फिर आप अपने पुत्र को मेरे साथ जाने से भी ना रोकिए। कैसे नहीं रोकेगी? आने वाले वर्षों में यही हमारा पालक होगा, हमारे लिए धन कमाएगा। आप इसके लिए रोकती हैं? अपने पुत्र को स्वतंत्र करो माँ। कैसे स्वतंत्र करे? शास्त्रों में कहा गया है, मानव एक सामाजिक प्राणी है। प्राणी मतलब जानवर, जो गुटों में रहते हैं और जिनके पास विवेक होता है। प्राणियों में आपने कभी देखा है कि बच्चा जीवन भर माँ के पास रहे? वयस्क होते ही वो माँ और पिता को छोड़ देता है। माँ मुझे शिक्षा चाहिए, मुझे जाने दो माँ। जाओ पुत्र। ऐसे कैसे जाएगा? तुम्हारा पालन कौन करेगा? मैं अपना पालन स्वयं कर सकती हूँ। तुम नहीं कर सकती हो। मैं चंद्रगुप्त को ऐसे नहीं जाने दे सकता। ना जाने ये आचार्य इससे क्या क्या कर्म कराएगा। जो कर्म तुम करा रहे हो इससे वो कहीं उत्तम होगा। ठीक है, तो आप चंद्रगुप्त का मूल्य चुका दीजिए और इसे ले जाइए। देखो माँ, लालच बोलता है। ओहो, तुम्हारा भी तो लालच है। 10-20 वर्षों तक पेट भरने के लिए हमें 10,000 स्वर्ण मुद्रा चाहिए। मेरे पास मुद्रा तो नहीं है, लेकिन ऐसी कीमती वस्तु है जो तुम्हें उससे भी अधिक मुद्रा दिला देगी। क्या है वो वस्तु? ये पुस्तक रखो और नालंदा में किसी भी आचार्य को देके मुद्राएं ले सकते हो। आप मूर्ख ना बनाइए, ये कागज के पन्ने। मूर्ख, इन्हें कागज के पन्ने ना के, ये ज्ञान की थाती है। इनमें शुक्र, गुरु, भृगु, मनु सभी के द्वारा बताया ज्ञान लिखा है, जो कहीं और नहीं लिखा। इसकी कीमत तुम जैसे लालची मूर्ख नहीं जान सकते। माँ, माँ आप चिंतित ना हो, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना, तब हर वर्ष आपसे मिलने आ जाया करूंगा, हर वर्ष। सम्राट भी यहाँ कौड़ियों में बिकते हैं, रिश्ते लालच के समक्ष कुछ यूं बिखरते हैं। चंद्रगुप्त मेरे साथ अब एक नए पथ पर चलता है, प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में पलता है, प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में पलता है। एक सम्राट बनने के लिए पहला कदम था शिक्षा। चंद्रगुप्त पाता है शिक्षा तक्षशिला में, चाणक्य के सानिध्य में, और 10 वर्ष पश्चात तक्षशिला में। प्रणाम आयुष्मान भवत्स, ये तुम क्या कर रहे हो वत्स? हिंसा से किसी का लाभ नहीं होता। आओ मेरे साथ, आज मैं तुम्हें गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई सबसे महत्वपूर्ण सीख देता हूँ, तो सुनो। अहिंसा परमो धर्मा, अर्थात अहिंसा प्रथम एवं सर्वोच्च धर्म है। गौतम बुद्ध के हर अन्यायी को हर परिस्थिति में इस मंत्र का पालन करना चाहिए वत्स। अवश्य चंद्रगुप्त, अहिंसा परमो धर्म। जब शत्रु तुम्हारे गले पर तलवार लिए तुम्हें मारने की कोशिश में होगा, तब इसी मंत्र का जाप तुम्हारी रक्षा करेगा। खेद होता है आपकी बात सुनकर, एक विचार में इतनी शक्ति होती है जितनी किसी शस्त्र में कभी नहीं हो सकती। तथागत भगवान बुद्ध कहते थे कि शत्रु से घृणा मत करो, अपितु उसे भी बंधु समझो। अपना कार्य सिद्ध करने की एक महत्वपूर्ण सीख तुम्हें आज देता हूँ आचार्य, आप भी सुने। देश हित सबसे बड़ा धर्म है, और इस हेतु अपना लक्ष्य 4 तरीकों से पाया जा सकता है। साम, दाम, दंड, भेद। साम अर्थात समझाना, ना समझे तो दाम अर्थात प्रलोभन देना, और ये भी ना चले तो भय दिखाकर अपने बल का प्रयोग करना अर्थात दंड। अगर फिर भी बात ना बने तो तोड़ो उनकी एकता और पैदा करो भेद। आपके बातों से सहमत नहीं हूं आचार्य, विदा लेना चाहेंगे हम। आप अपने विचारों पर टिके रहे आचार्य। चलो चंद्रगुप्त, कठिन राह है आगे और समय कम है हमारे पास, और तुम तक्षशिला में छात्रों को इकट्ठा करो। चलो आचार्य के पास चलो। भैया अपने आचार्य को बुलाया, अपने आचार्य ने बुलाया है, नहीं जाओगे तो मार पड़ेगी। जल्दी चलो, जल्दी चलो भैया, जल्दी चलो। देर क्यों कर रहे हैं, जल्दी चल यार। मेरे प्रिय छात्रों, यहाँ की परंपरा रही है कि तक्षशिला से पढ़कर यहाँ के छात्र अपने राज्यों में लौट जाते हैं। यहाँ मालव, मलेक्ष, पल्लव, कुरु, कैकई, कौशल हर राज्यों से आए हुए छात्र विद्या अध्ययन करते हैं। लेकिन मेरे शिष्यों, आज मैं ये परंपरा तोड़ूंगा। आज हमारे विश्वविद्यालय पर विदेशियों का शासन है, हमें राज्यों का मोह त्यागना होगा।
जिस तरह एक लकड़ी की तुलना में कई लकड़ियों को तोड़ना बेहद मुश्किल होता है, ठीक उसी तरह एक राष्ट्र बनाना होगा मुझे, और वो राष्ट्र आप हो। जब आप अपने राज्यों का मोह छोड़ भारतीय हो जाओगे तो सारे देश के लिए वो एक संदेश होगा। मेरे छात्रों, आओ इस अभियान का आरंभ करते हैं। ये क्रांति आसान नहीं होगी, हमें अपने भाइयों का भी लहू बहाना होगा, क्योंकि ये क्रांति लहू मांगती है। आज से आपकी शिक्षा पूर्ण होती है और साथ ही आपके जीवन में एक नए युग का आरंभ होता है। आचार्य, बाहर कोई महाशय आए हैं, अपने आप को मलय केतु कहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अंदर लेके आओ उन्हें। मैं जाता हूँ। कहाँ जाते हो? यही बैठो, तुम ही अब हमारे सम्राट हो, संधि तुम्हें ही करनी है, मैं तो बस एक जरिया हूँ। जी आचार्य। प्रणाम आचार्य। आइए, ये है चंद्रगुप्त। प्रणाम। तो यही है जिनकी इतनी ख्याति सुनी है, जो आपके शिष्य हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि दो शेरों को एक साथ तलवार से गिरा सकते हैं। देखने से तो नहीं लगता जी। बल तो बल समय आने पर दिखलाया जाएगा, और अगर लोग कहते हैं तो सच ही होगा। आप अपने आने का प्रयोजन कहिए। आपको आपके शिष्य ने बताया नहीं क्या कि हम चंद्रगुप्त से संधि करने के लिए आए हैं और क्षेत्र पर अपनी विजय चाहते हैं? लेकिन हमारा लक्ष्य तो भारत विजय और भारत निर्माण का है। संधि तो समान लोगों के बीच में की जाती है, आपके पास हमारे लिए क्या प्रस्ताव है? हमारे पास सेना है, 50,000 सैनिक, और धन जिसकी आपको जरूरत होगी। 50,000 सैनिक तो बहुत कम है, उससे मगध का कुछ नहीं होगा। आप तो ऐसा कहते हैं आचार्य कि मेरी सेना ही रण क्षेत्र में जाएगी। आपकी भी तो डकैतों की सेना है, और फिर छात्रों की सेना। डकैतों की सेना? हाँ, वही जिन्हें आप लोगों ने धन का लालच देकर अपनी सेना में भर्ती किया है। आचार्य, मैं आप जैसा कूटनीतिज्ञ तो नहीं हूँ, लेकिन इतना समझता हूँ कि आपको हमारी और हमें आपकी जरूरत है। आप संधि में हमसे क्या चाहते हैं? विजित राज का आधा भाग। क्या आपकी मति तो नहीं फिर गई? चंद्रगुप्त, गरा अतिथि से ऐसे व्यवहार नहीं करते, क्रोध बुद्धि का नाश करती है। विजित राज्य का आधा भाग, लेकिन सारी सेना का भरण पोषण आप करेंगे और आपकी सेना का नेतृत्व चंद्रगुप्त करेगा। आप तो तनिक आश्चर्य में नहीं दिख रहे। विजित राज का आधा भाग आप हमें दे देंगे? कहा ना, हाँ। मुझे नहीं लगता था कि आप जैसा व्यक्ति इतनी सरलता से संधि कर लेगा। इसीलिए कहता हूँ कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना किया करो, जाओ और सेना को रण क्षेत्र के लिए तैयार करो। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ। प्रणाम।
समय है अब आगाज करता, तप त्याग की स्तुति करता, क्रांति की अब इस घड़ी में शास्त्र की आहुति करता, शास्त्र की आहुति करता। तक्षशिला के राजा यवनों से संधि करते हैं और चाणक्य करते हैं मलय केतु से। डगर कठिन थी, तक्षशिला से मगध के बीच में थे कई राज्य और उन राज्यों को था अपने में मिलाना एक राष्ट्र के लिए। बसंतोत्सव की तैयारी कैसी है महेंद्र? अच्छी है जननायक। वैसे मैंने सुना है कि कई राज्य से खिलाड़ी आ रहे हैं, बोलो महेंद्र हमारे इस उत्सव में हमारा जनपद जीत जाएगा ना? आप परेशान ना हो जननायक, हम उत्सव में अपनी जनपद की लाज रखेंगे। हमारे जनपद से भी कुछ नागरिकों ने अपनी सभ्यता पर एक नृत्य तैयार किया है। उत्सव के लिए नृत्य? किस तरह का नृत्य है ये? वो तो आप अभी देख लीजिए। किस कारण से इस जनपद में आए हैं आप चाणक्य? तुम जानते हो कारण क्या है? तुमने मेरे संधि प्रस्ताव का उत्तर क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम एक गणतंत्र राष्ट्र हैं, हम आपका आधिपत्य स्वीकार नहीं कर सकते। हमारी प्रजा किसी भी राज्य से स्वतंत्र रहना चाहती है। गणतंत्र और छोटे राज्यों की आवश्यकता नहीं है इस राष्ट्र को। आप आधिपत्य स्वीकार कीजिए, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। आप मुझे धमकी देते हैं? आप जैसे विद्वान के मुख से ये शब्द शोभा नहीं देते चाणक्य। नहीं, ये चुनौती है। रण क्षेत्र में हमारी सेना आ चुकी है और समझाने पर भी नहीं माने तो मेरे पास केवल एक पद बचता है, वो है युद्ध। कष्टम च खलु मूर्खत्वयम् कष्टम च खलु यौवनम्। मूर्खता और जवानी का संगम दुखदायक होता है और वो मुझे तुम में दिख रहा है। एक बड़े से लक्ष्य को बनती है यू परिस्थिति, कहीं बहता है लहू कहीं आजादी की द्रोहिति। की सेना आई है। काशी नरेश, एक ब्राह्मण जो खुद को चाणक्य कहते हैं अपने एक शिष्य के साथ यहाँ पधारे हैं। आचार्य चाणक्य खुद? मंत्री जी, जरूर कोई अत्यंत महत्वपूर्ण बात होगी जो आचार्य स्वयं हमारे यहाँ पधारे हैं। द्वारपाल, आचार्य चाणक्य को आदर पूर्वक हमारे कक्ष में लाया जाए और उनके लिए आहार का प्रबंध भी करें। अवश्य नरेश, आज्ञा। नरेश, आचार्य के गांधार नरेश से हुई संधि के विषय में हमारे गुप्तचरों ने हमें बताया है, हमें बड़ी सावधानी से उनकी बात सुननी होगी नरेश। अवश्य मंत्री जी। स्वागत है आचार्य चाणक्य, पुण्य नगरी काशी आपके दर्शन पाकर धन्य हुई।
ये है महामंत्री वज्र, विराजिए। काशी नरेश विभूति, ये है मेरे शिष्य चंद्रगुप्त। काशी की पवित्र गंगा और शिव की लीला हरदम मुझे अपनी ओर आकर्षित करती है। तभी तो इसे मोक्ष का द्वार कहा गया है। लेकिन आपको तो मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाएगी। फिर आपका आगमन काशी में क्यों हुआ आचार्य? रुकिए रुकिए मंत्री जी, कहिए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ मैं? नरेश, उत्तर पथ के प्रदेशों पर यवनों के आगमन का ज्ञान तो आपको अवश्य होगा। यूनान से आए इन भीषण योद्धाओं ने कई बड़े बड़े राज्यों को अपने अधीन किया है और अब उनकी नजर हमारे आर्यवर्त पर है। अपने गुप्तचरों से हमें इन खबरों का पता चला था आचार्य। लेकिन काशी अपने आप को हर तरह के खतरों से बचाने में सक्षम समझता है और इस नगरी की रक्षा तो स्वयं विश्वनाथ करते हैं। नरेश, ये समय अपनी सेना पर खोखले भरोसे में रहने का नहीं है। सिकंदर हजारों कोस दूर ग्रीस से भारत के उत्तर पश्चिम तक हर राज्य को जीत चुका है। उसके पास एक बड़ी और शक्तिशाली सेना है। इतना शक्तिशाली शत्रु आज तक आर्यवत के किसी राज्य ने नहीं देखा है। परंतु काशी इस देश की सबसे पावन नगरी है और काशी पर कोई भी खतरा मंडराए तो अवश्य हमारे जनपद सामने आएंगे। इस बुलावे में मत रहिए महामंत्री। आर्यवर्त अब वो आदर्श और सिद्धांत वाला देश नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। क्या मतलब है आपका आचार्य? आपको शायद ही सिद्धांतों का भाषण मुझे देना पड़े। आपको तो ज्ञात ही होगा कि किस तरह मगध ने आपको निवाले की तरह निकला है। जरा संघ के समय से अजात शत्रु तक सभी ने आपके राज्य को अपने में समाहित कर इस पवित्र नगरी की सभ्यता को छिन्न किया है। लेकिन शांति है, हम नहीं चाहते मगध या किसी और देश से युद्ध मोल लेना। समय बड़ा अनिश्चित है। हमारे सामने न केवल एक विदेशी चुनौती है बल्कि शत्रु खुद हमारे देश में सामने खड़ा है। आपका अपना राज्य और अपनी सभ्यता होनी चाहिए। आचार्य, ऐसे तो हम मगध के विरुद्ध विद्रोह नहीं करेंगे। विद्रोह कैसा जब आप स्वयं एक अलग राज्य रखते हैं? मैं आपसे विद्रोह करने को नहीं कह रहा। फिर क्या कहना चाहते हैं आप? नरेश, आर्यवत को फिर से उसका खोया हुआ यश दिलाने का प्रण मैंने लिया है और उसके लिए जो कुछ बन पड़ेगा मैं करूंगा। मेरा शिष्य चंद्रगुप्त कई राज्यों को एक कर चुका है और अब हमें मगध पर आक्रमण करना है, जिससे धनानंद के राज से मगध और इस आर्यवत को मुक्ति दिलाई जा सके। आप मगध के पड़ोसी हैं, आपकी सेना हमारे लिए मददगार होगी। लेकिन क्या ये ऐसा नहीं होगा कि हम मगध के ही आधिपत्य में रह जाएंगे? आप ही कहिए, धनानंद और चंद्रगुप्त के राज्य में क्या ही बदलेगा हमारे लिए? अब हम धनानंद से बैर क्यों ले? कहीं आप युद्ध में हार गए तो? नरेश, आप हमारे बेहद महत्वपूर्ण साथी होंगे। आशा है कि आप हमारे साथ न होने का परिणाम समझते होंगे। आप पर धनानंद का आधिपत्य तो है लेकिन उसने आप पर जो कर लाद रखे हैं उसी के कारण आप उसकी सेना का भरण पोषण करते हैं। आचार्य, काशी हमेशा से एक स्वाभिमानी देश रहा है। लेकिन चंद्रगुप्त का मगध केवल मगध नहीं होगा। हम राष्ट्र निर्माण के लिए निकले हैं। आप राज्य का विकेंद्रीकरण करेंगे जिससे आप पर कर का बोझ कम होगा और आप अपने पुराने गौरव को प्राप्त होंगे भारत के नए राज्य में। भारत, क्या ये केवल एक स्वप्न नहीं है आचार्य? स्वप्न नहीं, अब ये एक सत्य है। हमने कई राज्य जीते हैं, बस अंतिम तीर का लक्ष्य मगध है। आपका साथ हमारी इस विजय के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा काशी नरेश। चंद्रगुप्त, लेकिन हमारी क्या स्थिति होगी इस नए भारत के राज्य में? आप एक सांस्कृतिक नगरी के नरेश हैं। हम उस परिदृश्य में आपकी सहायता करेंगे और उससे होने वाले लाभ के स्वामी आप होंगे। महामंत्री जी, आपकी क्या राय है? विचार तो उत्तम है नरेश, इससे हमारे राज्य का भी लाभ होगा। मेरे अनुसार हमें आचार्य का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए नरेश। ठीक है आचार्य, आर्यवर्त के लिए हमसे जो कुछ हो सकेगा हम करेंगे। जय हो काशी नरेश, आप जैसे युग पुरुषों की सहायता से ही भारत एक जग गुरु होने वाला है आने वाले वर्षों में। अब मुझे और मेरे शिष्य को आज्ञा दीजिए। नरेश, आपकी आज्ञा हो तो मैं आचार्य को बाहर तक छोड़ाऊं। ठीक है। आचार्य, अब तो आप खुश हैं ना? खुश हूँ। फिर मुझे भी अपनी खुशी में सम्मिलित कर लीजिए। आपको जल्द ही विजय की सूचना देंगे हम। अरे आप समझे नहीं, खुशी ये लो। चलता हूँ आचार्य, चलता हूँ। ये क्या आचार्य,
आप मुझे सूचित भी कर सकते थे। काशी नरेश अपने मंत्री की सुनते हैं और उनका मंत्री मुद्रा। अब मगध पर आक्रमण की तैयारी करो। महारानी, ये ऋतु कैसी सुहानी है। ऐसी ऋतु जहाँ पक्षी मनमोहक ध्वनि प्रसारित करते हैं। महाराज, क्या आप तनिक भी विचलित नहीं है चंद्रगुप्त से? मैं यहाँ ऋतु की बात करता हूँ और आप किसी क्रांतिकारी की। लेकिन महाराज, दासियाँ कह रही थी कि चंद्रगुप्त काशी तक आ गया है और चाणक्य के कारण हमारी मगध की प्रजा मगध की प्रजा उच्च वर्ग चाणक्य और चंद्रगुप्त का साथ देंगे ही। और निम्न वर्ग तो आपके साथ है महाराज, फिर आप रणक्षेत्र क्यों नहीं जाते? मैं मगध नहीं छोड़ना चाहता महारानी, और अब इस उम्र में युद्ध मुझसे नहीं होगा। फिर क्या, राक्षस घटनाओं पर दृष्टि रखे हुए हैं। महाराज, राक्षस, आप तुरंत इस महल से प्रस्थान कीजिए। क्षमा करें महाराज, लेकिन गृह युद्ध के आसार हैं। चंद्रगुप्त के सैनिक हमारे महल तक पहुंच चुके हैं और चाणक्य के कारण हमारे मंत्री भी चंद्रगुप्त के साथ हो गए हैं। वो कपटी ब्राह्मण, मैं मगध को नहीं छोड़ूंगा। किंतु महाराज, वो आपको मृत्युदंड दे देंगे। अपना ना सही, महारानी और राज्य परिवार का तो ध्यान कीजिए। लेकिन भविष्य मुझे कायर कहेगा आचार्य। भविष्य के विषय में सोचने समय बर्बाद मत कीजिए। भविष्य के ग्रह में बहुत कुछ है। हम फिर से एक नई सेना बना के चाणक्य को विरोध करेंगे। अभी आप निकलिए यहाँ से, आपको मैं अपनी सौगंध देता हूँ। शपथ कर जो चला था कुछ वर्ष पहले इधर से, आज है वो लौटा समेट कर शक्ति असीम। कर तिरस्कृत जिसे फेंका गया था इधर से, करते हैं स्वागत नचिकेता भीष्म और भीम। आचार्य की जय हो, आचार्य की जय हो। आचार्य बौद्ध मित्र, कितनी खुशी का विषय है। हर्ष का विषय तो यह है आचार्य कि आपने सारी भारत भूमि को एक छत्र के नीचे ला दिया है। आज गांधार से लेकर कलिंग और हिमालय से लेकर विंध्य तक आप और आपके शिष्य का ही राज है। आचार्य, आपने मुझे गलत सिद्ध किया है। ऐसा नहीं है आचार्य, आपके आगमन का तात्पर्य क्या है आचार्य? आप तक्षशिला से यहाँ तक यूं ही नहीं आए होंगे। अरे नहीं, हम तो आपके मिलने की इच्छावश ही यहाँ आए थे, लेकिन एक सूक्ष्म कारण भी है यहाँ आने का। कृपा करके कहें। आचार्य, मुझे आभास है कि आप नए संप्रदायों का नाश नहीं करेंगे अपितु उनका संरक्षण भी करेंगे, जिसके आप एक भय के वशीभूत यहाँ आए हैं। आचार्य, एक वृद्ध औरत आपके दर्शन की अभिलाषी है। तुम्हें दिखता नहीं, अभी मैं व्यस्त हूँ, अभी मेरे पास समय नहीं है। महामात्य, वो वृद्धा सुबह से ही आपकी आस में है। मैंने सुबह उसे कहा, पर उसकी व्यथा बहुत ज़्यादा है, तभी सुबह से शाम तक आपकी राह तक रही है। आचार्य, अगर मेरे कारण। नहीं नहीं, आप उन्हें सम्मान के साथ भीतर ले आओ। आचार्य, कहो देवी, कौन हैं आप? आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं? नहीं देवी, आप मुझे ना पहचानने का नाटक करते हैं। मैं हूँ इस भारत देश के भूस्वामी चंद्रगुप्त की माँ, जिसे उसका पुत्र
15 वर्ष नहीं मिल सका है, और उसका कारण कौन है जानते हैं आप? कौन? ये सनातनी गुरु और महामात्य चाणक्य। आपको मुझ पर और इस अबला के पुत्र पर तनिक दया नहीं आई? आचार्य 15 वर्ष, अरे भगवान राम का वनवास भी 14 वर्ष था। ये दरबार है माँ, यहाँ व्यक्तिगत भावनाओं का कोई आदर नहीं होता। लेकिन एक माँ की प्रार्थना तो सुनी जा सकती है ना इस दरबार में, जिसे उसका पुत्र एक ब्राह्मण लेकर जाता है कि शिक्षा देगा। बोलिए, न्याय कीजिए, न्याय करना तो उचित है ना इस सभा में। शायद आप भूलती है वो दिवस जब आप अपने पुत्र से अलग हुई थी, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आपके पुत्र का व्यापार हुआ था। क्या व्यापार हुआ था? आप इतनी निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? क्या कोई माँ अपने पुत्र का व्यापार कर सकती है? नहीं, मैं आपकी मुद्राएं तो नहीं लौटा सकती, लेकिन आचार्य वो मेरा पुत्र है। देवी, आप लौटा भी दे तो चंद्रगुप्त आज 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का नहीं है। न्याय यही है कि आप घर जाइए, चंद्रगुप्त भारत का सम्राट है, उसे और ऊंचे लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है। लेकिन आचार्य, इसमें आप सभा के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें तो ही बेहतर है। आचार्य, आप निष्ठुर के साथ साथ एक पापी भी हैं। आप एक रात सुख से नहीं सो पाएंगे। एक माँ से उसके पुत्र की आहुति लेकर आप घोर पाप करते हैं। देवी, मैंने सभा और महामात्य होने के कारण न्याय कर दिया है, लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि ये राज्य आपकी देखभाल करेगा और आपका भरण पोषण भी। ब्राह्मण क्या समझता है, 15 वर्ष पूर्व तेरे प्यार भरे बोल के कारण मैं अपना पुत्र खो चुकी हूँ, जो कि मेरे जीवन का एकमात्र सहारा था, और आज आप फिर प्यार भरी बोलते हैं मेरा भरण पोषण। मेरा भरण पोषण मैं खुद कर सकती हूँ आचार्य, आपकी मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है मुझे। आचार्य, क्या ये उचित था? सम्राट किसी परिवार का नहीं होना चाहिए, और मैं नहीं चाहता कि समाज चंद्रगुप्त की जाति को समझे और जाने। आओ चंद्रगुप्त। प्रणाम आचार्य। प्रणाम आचार्य बुद्धमित्र, आपको तो देखकर अति प्रसन्नता हो रही है, बड़े वर्षों पश्चात आपसे भेंट हुई है। ये लक्ष्य और उसके पद का रोमांच कैसा रहा चंद्रगुप्त? रोमांच अद्भुत था आचार्य, और आगे भी रोमांच अद्भुत ही रहेगा। अभी तो यूनानियों और पर्सियानों पर भी हमें आक्रमण करना है, और दक्षिण में अपना राज्य विस्तार करना है। आचार्य, ये तो बस एक आरंभ है। आचार्य, क्या आप भी यही इच्छा रखते हैं? सम्राट अपनी इच्छा रख रहे हैं तो कुछ सोच कर ही बोलते होंगे आचार्य। आपका मेल मिलाप अपने छात्र से हो गया हो तो मुझे कुछ राज्य से संबंधित बातें करनी है चंद्रगुप्त से। जी आचार्य। लेकिन अभी तो मिला हूँ मैं, दो वाक्यों का आदान प्रदान भी नहीं किया। कुछ आवश्यक काम है आचार्य, मैं आपसे आपके स्वागत गृह में मिलने जरूर आऊंगा। प्रणाम आचार्य। आयुष्मान भव पुत्र। प्रणाम आचार्य। तुम राजनीति के पाठ भूलते जा रहे हो, सभा राज्य विषय कारणों के लिए होती है, व्यक्तिगत चर्चाओं के लिए नहीं। लेकिन आचार्य, वो मेरे गुरु हैं और आपके सहपाठी। वो मेरे पिता भी होते तो मैं व्यक्तिगत चर्चाओं में नहीं जाता। राज्य के उत्तराधिकारी होने के नाते तुम्हारा प्रथम कर्तव्य राज्य और देश की समृद्धि की तरफ होना चाहिए, ना कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को सभी के सामने प्रकट करने का। आप मुझ पर प्रतिबंध लगाते हैं आचार्य। कैसा प्रतिबंध चंद्रगुप्त? प्रतिबंध असमय अनुचित व्यक्तियों के सभा में प्रवेश करने का। बड़ी उचित बात कही है आचार्य, भले व्यक्ति को बिना आज्ञा नहीं आना चाहिए। चंद्रगुप्त, तुम राज्याभिषेक की तैयारी करो, और मेरी अनुमति के बिना तुम कहीं नहीं जाओगे। मुझे अपनी माँ से मिलना है, 15 वर्ष हो गए हैं, अभी मेरी माँ जीवित भी है या नहीं ये भी ज्ञात नहीं है मुझे। सम्राट बनने के बाद तुम उनके बारे में वार्ता कर सकते हो, आपके आने का प्रयोजन क्या है? आपको मगध विजय की शुभकामनाएं देने आया था। आपको मैं मान गया आचार्य, क्या खेल खेला, मगध में गृह युद्ध कराए, मंत्रिमंडल में भेद करा दिए। मंत्रियों को लालच ना दिया होता तो विजय मुश्किल थी। आप मेरा पराक्रम को भूलते हैं। आचार्य की कूटनीति के आगे आपका पराक्रम कुछ नहीं है। राक्षस के रहते धनानंद को हराना मुश्किल था, अगर आचार्य गृह युद्ध नहीं कराते। चाटुकारिता ना करो, जो विषय है वो कहो। विजय का लाभ मुझे नहीं मिलेगा आचार्य। लाभ? तक्षशिला में किया गया समझौता भूलिए मत। आधा राज्य चाहिए मुझे, पूरा उत्तरी क्षेत्र। आचार्य, ये क्या कह रहा है, आधा राज्य? भारत अब एक राष्ट्र है, बांट नहीं सकते। राष्ट्र?
मैं किसी राष्ट्र के लिए नहीं लड़ा था, मुझे मेरा भाग चाहिए। ठीक है, पूरा विषय रखो। इस विषय पर हम वार्ता भी कैसे कर सकते हैं? आचार्य और मेरा स्वप्न है एक राष्ट्र, और स्वप्न कभी बांटा नहीं जा सकता। आप चाहिए चंद्रगुप्त, आप कहिए किस प्रकार राजा राज्य चाहिए आपको? आचार्य मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं इसको निकालता हूं। ऐसे साथ देते हैं अपने साझेदारों का। वाह आचार्य, चंद्रगुप्त को आगे करके संधि तोड़ते हैं। लेकिन आप मुझे कमजोर ना समझिए, मेरे पास अभी भी सेना है और राक्षस अभी भी जीवित है। आपको पराजित कर सकता हूँ। पराजित? आप युद्ध करेंगे मुझसे? जाइए और तैयारियां कीजिए, अब रण क्षेत्र में ही मिलेंगे। ऐसे बात करते हैं अपने अग्रजों से, जिसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े हो उससे युद्ध करोगे? हाँ करूंगा। राष्ट्र निर्माण के विदोर में जो भी आएगा उसका सर सिंहासन की शोभा बढ़ाएगा। जाओ तुम यहाँ से चंद्रगुप्त, मैं बात करता हूँ। आचार्य मैंने भी बेड़िया नहीं पहनी है। शांति रखो, क्रोध के भाव में कह गया होगा। देखिए मैं चाहता हूँ कि आप आधे राज्य के राजपाल हो जाएं, लेकिन सम्राट चंद्रगुप्त हो। आप छलना कीजिए मुझसे, आपकी कूटनीति मुझ पर नहीं चलेगी। मुझे मेरा आधा राज्य चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो परिणाम के जिम्मेदार आप होंगे। मत भूलिए कि आपकी सेना में आज भी मेरे सैनिक हैं। अपने बल पर भी जीत सकता हूँ मैं। मलय केतु चिंतित ना हो, तुम्हारा भूभाग तुम्हें मिल जाएगा, और कल सुबह तुम्हारी और चंद्रगुप्त की संधि मैं करा दूंगा। अब आप स्वागत गृह में आराम करें, कल बात करते हैं। दुर्जनस्य सर्पस्य परम सर्पोना दुर्जना है सप्तो दंशति नाकालेन दुर्जनेस्तु पदे पदे। दुष्ट व्यक्ति और सांप में से किसी को चुनना हो तो सांप को चुनना ठीक होगा। देवा जय नानी मजाया तू सर्वनम्
अमात्य चाणक्य। कहो देवी हेलेन, आपने समय मांगा था मुझसे विमर्श के लिए। विमर्श नहीं चाणक्य, वाद विवाद करने के लिए। वाद विवाद तो आप समझते ही होंगे, और ये विवाद मेरे और चंद्रगुप्त के विवाह के में है। इसमें आपका क्या अधिकार है? तुम्हारे विचारों पर मेरा कोई अधिकार नहीं, किंतु चंद्रगुप्त पर है। और तुम भूलती हो कि मैं राजनीति का एक स्थापित ज्ञाता हूँ। तुमसे वाद विवाद का मेरा क्या प्रयोजन? और वैसे भी ये समय वाद विवाद के लिए नहीं है। माफ कीजिए आचार्य, मैं यहाँ किन्हीं राजनीतिक ज्ञाता से नहीं, यहाँ के अमात्य और चंद्रगुप्त के सलाहकार से वाद विवाद करने आई हूँ। तो आप अपने उन विचारों और अहंकार को एक खूंटी पर टांग दीजिए जो आपके ज्ञाता होने को परिभाषित करते हैं। बड़ा ही गंभीर विषय लगता है। कहो पुत्री, किस विषय पर चर्चा करनी है? आचार्य, आप अपनी नीतियों में महिलाओं के प्रति ऐसे तुच्छ विचार क्यों रखते हैं? साथ ही आपकी नीतियां विरोधाभासी है। हाँ, लेकिन सभी नीति के परिपेक्ष में कोई ना कोई संदर्भ रहा होगा। तुम उदाहरण दो। वर्येत कुलजाम प्राग्यो विरूपामपि कन्यकाम रूपवतीम न नीचस्य विवाह सदृशे कुले। इसमें आप ही कहते हैं उच्च कुल की कुरूप कन्या से विवाह करो, लेकिन निम्न कुल की सुंदर कन्या से नहीं, और समान कुल की कन्या से विवाह करो। और एक जगह आप कहते हैं स्त्री रत्नम दुष्ट कुलदीप, दुष्ट कुल की अच्छे गुणों से युक्त स्त्री से विवाह करो। ये विरोधाभास नहीं। हालांकि सुंदरता भी एक गुण है, लेकिन वहां मैं कहता हूँ कि निम्न कुल की केवल सुंदर लड़की से विवाह ना करो, लेकिन अगर निम्न कुल की लड़की में अच्छे गुण है सुंदरता के अलावा, तो उस लड़की से विवाह करो। क्या ऐसे महिला विरोधी नीतियों के लिए भविष्य में आपको गलत नहीं कहा जाएगा? संपूर्ण महिला जाति आपके इन दुर्भावनापूर्ण श्लोकों पर कटाक्ष करेगी। मैंने ये सिद्धांत भविष्य के लिए नहीं लिखे हैं, आज के लिए और आज के समाज के लिए लिखे हैं। अब हजार वर्ष पश्चात कोई इसे किसी और संदर्भ में लेता है तो उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये नीतियाँ आपके समाज पर लागू होती होंगी, मेरे समाज पर नहीं। हमारे यवन समाज में स्त्रियों को अधिकार है। हमारे यहाँ भी स्त्रियों को अधिकार है। तभी आचार्य आप मेरे और चंद्रगुप्त के विवाह का निर्णय ले रहे हैं। मेरा और चंद्रगुप्त का क्या मेल? ना संस्कृति, ना देश, ना ही काल। आपकी कूटनीति का एक मोहरा मैं हूँ और दूसरा चंद्रगुप्त। क्या चंद्रगुप्त की भी यही इच्छा है? नहीं, लेकिन चंद्रगुप्त मेरी बात को अवश्य मानेगा। वो मेरा शिष्य है, मेरी बात का विरोध नहीं करेगा। लेकिन मैं आपकी शिष्य नहीं हूँ, मैं नहीं मानूंगी आपकी बात। और वैसे भी आप कौन होते हैं मेरे विवाह का निर्णय लेने वाले? बहुत वाद विवाद कर चुकी तुम, अब जो मैं बोलता हूँ वो सुनो। ये प्रश्न जाकर तुम अपने पिता से पूछो कि वो रणक्षेत्र में मुझसे क्यों हार गए थे, और साथ ही उन्होंने चंद्रगुप्त के साथ तुम्हारी शादी का प्रस्ताव रखा था, जिसे इस देश की सुरक्षा के लिए मैंने स्वीकार किया। लेकिन बस, और कुछ नहीं सुनना मुझे। अब जाओ और ये सारे वाद विवाद अपने पिता के साथ करो, ना कि किसी दूसरे के अमात्य से। और तुम्हारा विवाह चंद्रगुप्त से होगा ये प्रण मैं ले चुका हूँ, और राष्ट्रहित के लिए मैं उसे पूरा करके रहूंगा।
आचार्य, आप ये साहस कैसे कर सकते हैं कि मेरी माँ को सभा से निकाल दे? वो अपने पुत्र से मिलने आई थी। तुम्हें किसने कहा? आप ये कहिए कि वो आई थी या नहीं। हाँ आई थी। फिर आपने झूठ क्यों कहा मुझसे? ताकि तुम अपने गुरु के साथ ऐसे दुर्व्यवहार ना करो। आप भारत के सम्राट की माता का इस तरह तिरस्कार कैसे कर सकते हैं? मैंने जब भी मगध आके अपनी माँ से मिलने को कहा, आपने आज्ञा ना दी। और आज जब मैं मगध में हूँ तो अपनी माँ से क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि तुम अब एक सम्राट हो, तुम्हें आगे बड़े कार्य करने हैं, और एक सम्राट के लक्षण इस तरीके के नहीं होते कि एक तुच्छ बात पर अपने गुरु से वाद विवाद करता हो। तुच्छ बात कैसे है ये? आप एक पुत्र को उसकी माँ से अलग करते हैं। ये सम्राट का सिंहासन नहीं चाहिए, एक माँ को उसका पुत्र चाहिए। आप निष्ठुर ही नहीं, आपके वृक्ष में हृदय ही नहीं। शांत चंद्रगुप्त, कैसे शांत रहूं आचार्य, कैसे? एक सम्राट को यह शोभा नहीं देता। क्या आपको ये सब शोभा देता है? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी माँ पे क्या बीती होगी। अरे माँ को छोड़िए, लेकिन आपने तो सेल्यूकस की पुत्री से मेरा विवाह तक तय कर दिया। एक यवन से एक बार मुझसे पूछा तक नहीं। तुमसे क्या पूछना, हेलेन और तुम्हारे विवाह से राष्ट्र का भला होगा। लेकिन मेरा जीवन तो व्यर्थ हो जाएगा। अरे जिससे मुझे प्रेम नहीं, जिसे मैं जानता तक नहीं, उससे विवाह? एक सम्राट के हृदय में प्रेम की कोई जगह नहीं होती, ये कूटनीति है। प्रेम नहीं होता? अरे प्रेम तो आपके अंदर नहीं आचार्य। पाषाण हृदय चाणक्य न माँ का प्रेम समझते हैं, ना एक युगल का। कूटनीति, कैसी कूटनीति है ये? सेल्यूकस की संधि से तुम्हारी उत्तरी सीमा शांत रहेगी, तुम राज शांति से कर सकोगे। आज मैं भारत का सम्राट हूँ, किसी को भी हरा सकता हूँ। मुझे किसी से शांति वार्ता करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जिसको हराया उसे फिर हराऊंगा। अगर युद्ध करते रहोगे तो राज कौन करेगा? आप करेंगे ना, जैसे कर रहे हैं। मैं आपके हाथ की कठपुतली तो हूँ। हाँ हो, तुम भूलते हो कि मैं तुम्हें यहाँ एक बच्चे के रूप में लेकर आया था। उसमें आपका स्वार्थ था आचार्य। मेरा था, तुम्हारी माँ का भी तो था, तुम्हारे मामा का भी था। याद करो तुम, 10,000 स्वर्ण मुद्रा में खरीदा था मैंने तुम्हें। तुम अब बड़े घाटे का सौदा दिखते हो चंद्रगुप्त। ये लीजिए, मुक्त कीजिए मुझे, मुक्त कीजिए अपने चंगुल से। कल तुम्हारा राज्याभिषेक है चंद्रगुप्त। मेरा नहीं, अपना कहिए आचार्य। मैं सम्राट होकर भी सम्राट नहीं हूँ। अरे क्या कुछ नहीं किया आपने पाने के लिए, धनानंद से अपना बदला लेने के लिए? मले केतु कुमारा छल किए, प्रपंच किए। ऐसा सिंहासन नहीं चाहिए जिसके नीचे शवों का ढेर हो, जिस पर लहू दिखता हो, नहीं चाहिए। आपने मुझे दास बनाकर रखा है आचार्य। निर्णय तो सभा भी कर लेते हैं मुझे बिना कुछ बताए। दास हूं ना मैं आपका आचार्य। या तो आप राज्य कीजिए या तो मुझे करने दीजिए। अगर मैं सम्राट हूं तो निर्णय भी मैं ही लूंगा, आप नहीं। तुम ही सम्राट हो चंद्रगुप्त। सब आपको कपटी कहते हैं, ऐसे ही नहीं कहते, ये झूठ पंच। इतना पाप लेकर आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी आचार्य। मैं कल ही अपनी माँ से मिलूंगा, विवाह अपने मन से करूंगा। यवन से करूंगा तो भी अपने निर्णय से, आपके निर्णय से नहीं। मैं आपका ही शिष्य हूँ आचार्य, किसी बंधन में नहीं रह सकता। ये राज्य अगर आपने अपनी कूटनीति से बनाया है तो ये मत भूलिए कि उसमें मेरा पराक्रम और त्याग रहा है। चंद्रगुप्त, ये अहंकार बोलता है तुम्हारा। कल राज अभिषेक मेरा ही होगा आचार्य, मत के बाद आप संन्यास ले लीजिए। मत भूलो कि दनानंद जैसे राजा को हटा तुझे भारत का सम्राट बनाया है। मत भूलो कि तुम मेरे शिष्य हो। एक शिष्य को इस सिंहासन तक ला सकता हूं तो किसी और को भी यहां तक पहुंचा सकता हूं। जाओ चंद्रगुप्त, हाथ से निर्णय लेने को तुम स्वतंत्र हो, लेकिन एक चेतावनी देता हूं तुम्हें चंद्रगुप्त, अहम को त्याग दो और जनमानस के लिए काम करना। ये चाणक्य कभी तुम्हारे द्वार नहीं आएगा, लेकिन जिस क्षण तुम अपने धर्म से विरक्त हुए, चाणक्य फिर शपथ लेगा, चाणक्य फिर शपथ लेगा।
को धनानंद ने भरे सभागार में मार दिया। मेरी माँ भूख और विरह से मर गई। विष्णुगुप्त था जो मासूम था, चाणक्य का पुत्र चाणक्य विद्वान था। मैं धनानंद के पास लौटा, लेकिन मगध ने मुझे धुतकार दिया। फिर मैंने रूप धरा कौटिल्य का, कुटिल ब्राह्मण। मेरे मगध में तिरस्कार किया गया। मैंने छल किए, प्रपंच किए, क्योंकि राष्ट्र को एक करना था। चंद्रगुप्त को पूरा राज्य भी चाहिए और वत्स भी खिलाना है। राष्ट्र आहुति मांगता है और आज चंद्रगुप्त मेरा शिष्य ही मुझे धुतकारता है। जब भी कभी ये भारत देश बिखर जाएगा, जब भी इस पर कोई बाहरी आग लगाएगा, ये चंद्रगुप्त फिर जन्म लेगा, ये चाणक्य फिर जन्म लेगा। और सन 1947 में चाणक्य फिर लौटा एक नए रूप में। जब भारत 565 राज्यों में बट गया, साम दाम दंड भेद से उसने इस भारत को एक किया, और वो लोह पुरुष थे सरदार पटेल। जब भी कोई अपनी भारत पे नजरें डालता, आहुति यज्ञ मांगता, आहुति यज्ञ मांगता। खुद माँ पिता की लाशें चाणक्य जब निहारता, आहुति यज्ञ मांगता, आहुति यज्ञ मांगता। अपना धर्म, अपना मर्म, अपना मान त्यागता, आहुति यज्ञ मांगता, आहुति यज्ञ मांगता। वो साम दाम दंड और भेद है पुकारता, आहुति यज्ञ मांगता, आहुति यज्ञ मांगता। अब फिर पुकारता है तुमको इस वतन का वास्ता, आहुति यज्ञ मांगता, आहुति यज्ञ मांगता। धर्म की, वंश की, रंग की, जात की, आहुति यज्ञ मांगता, आहुति यज्ञ मांगता। आओ कि फिर से भारत चाणक्य को है पुकारता, आहुति यज्ञ मांगता, आहुति यज्ञ मांगता। चाणक्य, सरदार पटेल,
एवं और भी ऐसे अनगिनत महापुरुषों को समर्पित है हमारी ये प्रस्तुति। उनके सम्मान में, इस देश के सम्मान में आप सभी से निवेदन है, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए।